नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ना पढ़ने वाले ठीक से। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो पैसे चले जाएंगे, सर को पैसे मिल जाएंगे। तो अरे मेरे भैया बहना, इसमें ना तो सर को कोई पैसा मिलता है और ना तो आपका कोई पैसा इससे जाता है, ठीक है? तो आप ना खूब आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, और शेयर भी करिए, इससे कोई भी मतलब पैसा ना आता है ना जाता है, ठीक है? केवल और केवल इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप अगर ज्यादा लाइक करेंगे तो लगता है कि नहीं मैंने अच्छा काम किया, इसीलिए आपने लाइक करा है। जनरली यही होता ही, अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग लाइक करते हैं, है ना? तो आप लाइक करते रहिए और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है बनाते रहेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि जो लोग सही जवाब देंगे उनका नाम मैं लूंगा। तो उसमें जो है शाहरुख खान एक, और साहिल मंसूरी है, इसके अलावा नरेंद्र सिंह है, शालिनी पाल है, डॉली है, दिव्यांशी शुक्ला है, इन लोगों ने जो है सही जवाब दिया है। तो आप लोगों के लिए बधाई, ऐसे ही कमेंट आप करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जो है बढ़िया अच्छे ढंग से करते रहिए, ठीक है? अभी इस वीडियो के लास्ट में भी हम कम से कम 10 अच्छे क्वेश्चंस जो है पूछने वाले हैं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसके बाद मैं आपका नाम जो है अगले वीडियो में शामिल करूंगा, ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ लेना चाहिए, कोशिका में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग होता है जिसका नाम होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। केंद्रक व केंद्रक के भाग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो केंद्रक के प्रमुख चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं केंद्रक के? केंद्रक के प्रमुख चार भाग होते हैं, और वो चार भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका केंद्रक कला। क्या होता है? केंद्रक कला होता है। इसके बाद में एक होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य होता है। इसके बाद में एक आपका होता है केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रिका होता है। इसके बाद में एक आपका होता है क्रोमैटो, क्रोमैटो धागे, क्रोमैटो धागे। ये चार जो है केंद्रक के प्रमुख भाग हैं, इनके बारे में हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं तो ज्यादा सही होगा, यहां से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था, दूसरे वीडियो में शायद बताया था केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज किसने करी? तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इसकी खोज करी थी। कौन करे थे? रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इसकी खोज जो है केंद्रक की खोज जो है किया था, ठीक है? अब बात आती कि केंद्रक कला क्या होता है, तो इसके लिए हम एक सेल का जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी सेल है और सेल के अंदर जो है एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, ठीक है? तो जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक जो है एक पतली झिल्ली से जो है ये घिरा रहता है, ठीक है? और जो पतली झिल्ली झिल्ली जो है ये घिरी रहती है जिससे, ठीक है? तो वही आपकी केंद्रक कला होती है। क्या होती है? ये केंद्रक कला होती है। और ये केंद्रक कला जो होती है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की जो है ये बनी होती है, ठीक है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसके अलावा केंद्रक कला जो होती है वो प्रोकैरियोटिक जो आपकी सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, इनमें या तो ये अनुपस्थित होती है, अर्थात या तो इनमें नहीं होती है, और अगर होती भी है अगर इनमें तो वो अविकसित होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? अविकसित होती है। अगर होती है तो वो अविकसित होती है और नहीं तो इसमें उपस्थित नहीं होती। ये बात आप विशेष ढंग से याद रखिएगा, ठीक है? इसकी बात करें हम लोग, हम केंद्रक कला की बात जो है आपसे कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर हम आगे बात करें केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक द्रव्य जो होता है ये आपका केंद्रक मैंने बताया, और केंद्रक में यहां पर जो एक द्रव्य भरा रहता है जो कि आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का, न्यूक्लियो प्रोटीन का ये बना होता है, ठीक है? न्यूक्लियो प्रोटीन का जो है आपका केंद्रक द्रव्य बना होता है। और मैंने इसके अलावा केंद्रक द्रव्य के बारे में देखिए हमने बताया था कोशिका द्रव्य की मैंने बात करी थी। किसकी? कोशिका, सॉरी जीव द्रव्य की बात करी थी हमने, जीव द्रव्य, ठीक है? जीव द्रव्य मैंने बताया था दो प्रकार का होता है, एक तो साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? एक तो कोशिका द्रव्य होता है और दूसरा आपका केंद्रक द्रव्य होता है।
दूसरा आपका क्या होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है। और मैंने बताया था हमारे जीवन का आधार जो है प्रमुख रूप से क्या है, वो जीव द्रव्य ही है, ठीक है। जो कोशिका में जो है पाया जाता है दो रूप में, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के रूप में जो है पाया जाता है, ये हमारे जीवन का आधार है, ठीक है। तो केंद्रिका द्रव्य के बारे में हमने पढ़ा, केंद्रक, आगे केंद्रिका की बात करते हैं। केंद्रक द्रव्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे हम केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका जो होती है आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी केंद्रक के बीचों बीच में कई बार होती है और कई बार जो है केंद्रक के अगल बगल भी, अर्थात बीचों बीच सेंटर पर ना होकर के यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। केंद्रिका द्रव की अगर हम केंद्रिका की अगर हम बात करें तो केंद्रिका में लगभग 85% जो है प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, 10% जो है इसमें आरएनए होता है, 10% आरएनए होता है और 5% बचा कितना, 5% जो है इसमें डीएनए होता है, किसमें, केंद्रिका में। केंद्रिका से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो चलो एक आध क्वेश्चन की बात हम और कर लेते हैं। जैसे केंद्रिका की खोज के बारे में बात आती है तो 1781 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फोंटाना, क्या नाम था इनका, नाम था फोंटाना, फोंटाना एक व्यक्ति थे और फोंटाना ने जो है इसकी खोज करी थी, लेकिन इसकी विशेषताओं के बारे में नहीं बता पाए थे। तो लगभग 1840 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था वोमेन, वोमेन एक व्यक्ति आए थे और वोमेन जो है केंद्रिका का जो है नामकरण किए थे, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है क्रोमेटो धागे, है ना, क्रोमेटो धागे। देखिए केंद्रक द्रव्य जो होता है ना, केंद्रक द्रव्य जो आपका ये होता है ना, इसी केंद्रक द्रव्य में जो है इसमें कुछ धागे जो है कुछ इस तरीके जो है आपके पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से धागे पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो धागे पाए जाते हैं यही क्रोमेटिक धागे होते हैं, क्रोमेटो धागे होते हैं, और इन्हीं क्रोमेटो धागों को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों का काम क्या है आप ढंग से जानते हैं, गुणसूत्रों की संख्या अगर मानव शरीर में, अगर हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, तो मानव शरीर में कितनी होते हैं, 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे संबंधित जो चीजें थी मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डीएनए आरएनए की, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। डीएनए जो होता है आपके कोशिका में जो है होता है और आरएनए भी जो है यहीं पर उपस्थित रहता है, तो चलो भाई इनके बारे में हम लोग ठीक से बात कर लेते हैं, जिससे आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो हैं आसानी से हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की, ठीक है। डीएनए जो होता है ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, अम्ल कह लो इसको, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है होता है आपका डीएनए। डीएनए की अगर हम खोज की बात करें कि डीएनए की खोज जो है किसने करी थी, तो डीएनए की खोज जो है तीन लोगों ने मिलकर के 1953 में करी थी, कब करी थी, 1953 में जो है तीन लोगों ने जो है इसकी मिलकर के खोज करी थी। इन तीनों का नाम क्या है, एक व्यक्ति थे जेम्स डी, इसके अलावा एक व्यक्ति थे क्रिक और एक व्यक्ति थे वाटसन, कौन थे, वाटसन। इन तीनों लोगों ने मिलकर के डीएनए की खोज जो है 1953 में की थी और इसी खोज के कारण जो है इन तीनों को 1962 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, संयुक्त रूप से इन तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसकी खोज के लिए, डीएनए की खोज के लिए जो है इनको 1962 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपका डीएनए जो है किससे मिलकर के बना होता है, डीएनए में क्या होता है, तो इसमें डीएनए में एक पेंडोज शर्करा होती है, क्या होती है, पेंडोज शर्करा होती है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, पेंडोज शर्करा के अलावा इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डीएनए होता है वो पेंडोज शर्करा व फास्फोरिक अम्ल से जो है मिलकर के बने होते हैं। इसके अगर हम काम की बात करें, इसका कार्य क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि डीएनए का जो है प्रमुख रूप से कार्य जो होता है वो आनुवांशिक गुणों को क्या करता है, बताओ भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना होता है, तक ले जाना होता है, ठीक है। दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है गुणों को जो है कौन ले जाता है बताओ भाई, तो आपका डीएनए जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है ले जाता है। इसके अलावा डीएनए में जो है द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, स्वतः द्विगुणन की क्षमता जो है इसमें पाई जाती है, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। अच्छा द्विगुणन की क्षमता ये होता है क्या, बात ये आती है कि द्विगुणन की क्षमता क्या होती है, तो देखो अभी आगे जो है हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे यानी कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि डीएनए जो है ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, या कह लें कि डीएनए जो है विभाजित हो जाता है, ठीक है, स्वतः द्विगुणन यानी कि दो गुना जो है हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है, जबकि आरएनए में ऐसा कुछ नहीं होता, आरएनए जो है खुद डीएनए से जो है मिलकर के बना होता है, यानी डीएनए से जो है आरएनए बनता है, ठीक। तो हमने इतनी चीजें जो है डीएनए के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा अगर हम एक चीज और बात कर ले कि डीएनए पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो डीएनए जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो डीएनए जो है आपका पाया जाता है, पहले तो ये पाया जाता है केंद्रक में, है ना, केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक के बाद में अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है केंद्रक द्रव में, या सॉरी गुणसूत्र में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है, गुणसूत्र के बाद ये माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, और माइटोकांड्रिया के बाद ये हरित लवक में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है हरित लवक में, ठीक है। इतनी जगह पर जो है आपका डीएनए जो है पाया जाता है, कहाँ पर, अगर देखो इसके लिए अगर हम ट्रिगर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है डी है, और यहाँ पर के, यहाँ पर जी, यहाँ पर माई, और यहाँ पर क्या लव, फिर से वही पिछले वीडियो वाली ट्रिक, तो यहाँ पर लिख लो डी के। देखो ये ट्रिक व्रिक जो है ना केवल आपको याद करने के लिए है, ना कि आपको किसी मतलब कोई पर्सनली अगर किसी चीज को लेना हो, ठीक है, इसके लिए नहीं है, ठीक। तो डी के जी, देखिए यहाँ पर डी, यहाँ पर के, और यहाँ पर गुण का जी, है ना, डी के जी, और फिर यहां से माई निकाल लो, डी के जी माई, माई माई क्या है बताओ भाई, लव, डी के जी माई लव, ठीक है। तो यह आपकी ट्रिक बन गई है ना, थोड़ा फनी है लेकिन आपको याद करने के लिए बेस्ट है, ठीक है, आप याद कर लें, बस यही जरूरी है मेरे लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो डी के जी माई लव यानी कि डीएनए जो होता है केंद्रक में, गुणसूत्र में, इसके अलावा माइटोकांड्रिया और हरित लवक में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएनए की, तो चलो भाई हम आरएनए की बात कर लेते हैं, आरएनए की हम लोग बात करते हैं क्योंकि आरएनए से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। आरएनए के बारे में बात करें तो ये आरएनए है ना, आरएनए की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड देखो हम लोग आरएनए की बात कर रहे हैं, तो आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर इसकी खोज की बात किया जाए तो इसकी खोज भी तीन लोगों ने मिलकर के करी थी, ये कौन कौन थे, एक व्यक्ति थे जेम्स डी थे, और जेम्स डी के बाद में एक वाटसन के बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्थर अर्ग है ना, आर्थर अर्ग, जेम्स डी, वाटसन, आर्थर अर्ग ने जो है मिलकर के आरएनए की खोज करी थी। और आरएनए जो है ये आपकी क्या होती है, राइबो शर्करा होती है, ये एक राइबो शर्करा होती है। देखो इसमें होने के लिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, परीक्षा में जितना बनेगा केवल उतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो राइबो शर्करा का ये एक प्रकार की जो है आरएनए जो होता है आपके राइबो शर्करा होता है। अगर हम आरएनए के बारे में अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसका अगर हम काम की बात करें तो ये डीएनए के आदेशानुसार काम करता है, डीएनए के आदेशानुसार जो है ये क्या करता है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया होती है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और ये संश्लेषण की प्रक्रिया किसके आदेशानुसार होती है, तो डीएनए के। तो इसी प्रक्रिया में जो है आरएनए जो है क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है। यानी कि अमीनो अम्ल से प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया में
डीएनए के आदेशानुसार जो है आरएनए जो है क्या करता है, भाग लेता है किसमें, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में। ओके, इतना पता चल गया। अगर आप देखिए जैसे हमने पढ़ा था डीएनए जो है कहां पाया जाता है, तो इसी तरीके से अगर हम आरएनए के बारे में बात करें तो आरएनए जो है ये कहां कहां पाया जाता है, तो एक तो आपका ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, इसके अलावा ये केंद्रिका में पाया जाता है, यानी केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रिका के बारे में बात सॉरी केंद्रिका के बाद अगर इसकी बात करें तो राइबोज में पाया जाता है, राइबोसोम में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो कहां, कोशिका द्रव, केंद्रिका और राइबोसोम में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये डीएनए और आरएनए की जो है बात कर लिया। अच्छा, एक चीज और हम यहां पर बता देते हैं कि आपका जो आरएनए होता है वो डीएनए से ही मिलकर के बनता है। ठीक है, और डीएनए में जो है स्वतः द्विगुणन की जो है क्षमता पाई जाती है, लेकिन आरएनए में जो है स्वतः द्विगुणन की क्षमता जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब बारी है उन क्वेश्चंस की पूछने की जो जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो चलो भाई क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, पहला क्वेश्चन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक का नाम है, फिर से सुन लो, माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक का नाम है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका का यातायात प्रबंधन कौन करता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जीव द्रव के खोजकर्ता कौन है। छठा क्वेश्चन है, जीव द्रव के खोजकर्ता कौन है। सातवां क्वेश्चन है, केंद्रक के खोजकर्ता कौन है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का वाहक कौन है। नवा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बताना है, इसके बाद में दुनिया की सबसे बड़ी, दसवां क्वेश्चन जो है आपका दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हम देखेंगे कि कितने लोग जो है पढ़ाई अपनी जो है कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और जवाब देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताना।